हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंताज भांगी। इंताज टेक्निकली यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने सारे लोग मेरा वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, उनमें से 1.8% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। और मैं बेसिकली वीडियोस पे सब्सक्राइब करने के बाद बोलता ही नहीं हूँ, शायद इसलिए या फिर कोई और रीज़न होगा जिस कारण लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आप लोग देखते हो मेड इन इंडिया लिखा होता है, क्या वो इंडिया का बनाया हुआ स्मार्टफोन है या फिर माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन जैसा स्मार्टफोन कंपनीज जो स्मार्टफोन बनाता है, क्या वो इंडिया का बनाया हुआ स्मार्टफोन है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि दूसरे देश से पार्ट्स मंगवा के इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबल किए जाते हैं, और वो असेंबल करने के बाद पैक में लिख दिया जाता है, पैकेट में, बॉक्सेस में, मेड इन इंडिया। और आप लोग सोचते हो कि इंडिया का बनाया हुआ स्मार्टफोन है, एक्चुअल में वो जो ज़्यादातर पार्ट्स है मोबाइल का वो बाहर से मंगवाए जाते हैं, और इंडियन ब्रांड का भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो खुद का इंडिया का बनाया हुआ पार्ट्स यूज़ करके मोबाइल को बाज़ार में बेच दे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। और दूर दूर तक संभावना, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि इंडिया खुद का स्मार्टफोन बना पाए। और यही बात आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों इंडिया खुद का स्मार्टफोन नहीं बना सकता है, स्मार्टफोन बनाने की फील्ड में इंडिया क्यों सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकता है। दोस्तों, दोबारा बता दूँ, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग इस वीडियो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अच्छे अच्छे कॉमेंट्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा, मोटिवेटिव होगा मेरे लिए। दोस्तों, बात ऐसा है कि आप मान लीजिए एक इंडियन स्मार्टफोन बनाएंगे जिसका बनाने का बजट है 10,000 रुपया, मतलब 10,000 बजट के अंदर एक स्मार्टफोन बना रहे हैं, उनमें से जितने सारे पार्ट्स लगेगा उनमें से चार्जर अडाप्टर, बैटरी पैक, वायर, हेडसेट, ये सब आप मोबाइल में बनाने के लिए खरीदेंगे और ये सब इंडिया में ही आप लोगों को मिल जाएगा। उसके लिए आपको 600 रुपया पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा मोबाइल में आप लोगों को माइक्रोफोन, जो माइक होता है, रिसीवर, बैटरी पैक, यूएसबी केबल, ये सब आप लोग इंडिया में ही आप लोगों को मिल जाएगा ये भी। और इसके लिए आपको 700 रुपया पे करना पड़ेगा। तो टोटल आप लोग 1300 रुपया इंडियन कंपनीज, दूसरे किसी कंपनीज को पे कर दिए। और डिस्प्ले असेंबली, टच पैनल्स, कवर ग्लास, वाइब्रेटर मीटर, रिंग आर, ये सब खरीदने के लिए आपको टोटल पे करना पड़ेगा 2500 रुपया। 10,000 में से टोटल 10,000 में से 2500 रुपया ये सब खरीदने के लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, इंडिया का कोई भी कंपनी ये सब चीज़ें नहीं बनाता है, और ये चीज़ें आपको बाहर किसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा। और एक स्मार्टफोन बनाने के लिए आपको जो सबसे महंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है वो होता है PCBA, प्रिंटेड बोर्ड सर्किट असेंबली, जो डिस्प्ले के नीचे बैटरी के पीछे होता है, और उनमें पूरा कैमरा का सेट होता है, रैम होता है, CPU, GPU, जितने सारे IC होता है, सब कुछ वहाँ पर होता है, वही मेन चीज़ होता है। और वो ख़रीदने के लिए आपको कोई इंडियन ब्रांड में नहीं मिलेगा, इंडियन कंपनी नहीं मिलेगा, वो बाहर किसी कंपनी से आपको ख़रीदना पड़ेगा। और इसके लिए ही आपको सबसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिसका प्राइस 10,000 में से टोटल आपको 6,200 जितना लग जाएगा, तो आपका पूरा 10,000 खर्च होगा। उनमें से आपने सिर्फ 1300 रुपये इंडियन कंपनीज से ख़रीदा, इंडियन कंपनीज के चीज़ें खरीद के 1300 रुपये स्पेंड कर दिया, बाकी आपको मजबूरी में दूसरे कंपनी से, दूसरे की विदेश की कंपनी से ख़रीदना पड़ा, और 10,000 खर्च करके एक मोबाइल आपने बना लिया। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडियन किसी भी कंपनी नहीं है जो खुद का स्मार्टफोन बना पाए, एक प्योर मेक इन इंडिया वाला स्मार्टफोन बना पाए। तो अगर डेप्थ में जाके देखें कि इंडियन कंपनीज क्यों ये सब महंगे महंगे पार्ट्स नहीं बनाते हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न है इनके पास इतना बजट ही नहीं है कि इतने महंगे चीज़ें वो बना पाए। और मोबाइल में जितने सारे महंगे पार्ट्स होता है, उनमें सबसे महंगा पार्ट है मोबाइल का SoC, सिस्टम ऑन चिप, यानी कि जो प्रोसेसर होता है वो, और चिप बनाने में सबसे ऊपर है ताइवान की कंपनी TSMC, वो चिप बनाते हैं, और UMC वो भी चिप बनाते हैं, उसके अलावा चाइना की कंपनी हुआई वो चिप बनाते हैं, और कोरिया की सैमसंग वो भी चिप बनाते हैं मोबाइल के लिए। और सबसे पहले बात कर लेते हैं TSMC के बारे में।
TSMC 2016 से लेके आज तक मोबाइल की जो बायोनिक चिप है, मोबाइल की जो प्रोसेसर है आईफोन की, वो बना रहा है। और उसके अलावा जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर आप लोग मोबाइल में देखते हो, वो भी TSMC फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है क्वालकॉम कंपनीज़ को जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है उन्हें बनाने के लिए। उसके अलावा जो मीडियाटेक की प्रोसेसर आप लोग मोबाइल में देखते हो, वो भी ताइवान की कंपनी UMC वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और उसके साथ चाइना की कंपनी हुआई सिलिकॉन चिप बनाते हैं अपने मोबाइल में यूज़ करने के लिए, और कोरिया की कंपनी सैमसंग एक्जिनोस के चिप मैन्युफैक्चर करते हैं मोबाइल के लिए। और यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसरो खुद के ही काम के लिए 180 नैनोमीटर की चिप मैन्युफैक्चर करते हैं, और ये चिप मोबाइल में यूज़ करना टोटली इम्पॉसिबल है, यूज़ नहीं हो सकता है। और इसके अलावा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट नाम की एक US की कंपनी है जो कि बेंगलोर में बेस्ड है, वो लोग भी चिप का सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, चिप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो इंडिया में चिप बेसिकली नहीं बनते हैं, उसका कारण यही है कि वो बहुत प्राइसी होता है। दोस्तों क्लियर कट रीज़न है कि इंडियन कंपनीज़ के पास इतना बजट नहीं है कि वो खुद से चिप मैन्युफैक्चर करें। और दोबारा आते हैं TSMC पर। दोस्तों TSMC पहले 28 नैनोमीटर की चिप बनाता था और वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता था, मैंने खुद यूज़ किया है एक स्मार्टफोन मोटो E4 प्लस, उसमें 28 नैनोमीटर वाले चिप था, वो मीडियाटेक का था, वो इतना ज़्यादा गर्म होता था, इतना गर्म होता था, उसमें मैं पबजी मोबाइल लाइट खेलता था और लोग डर जाता था कि भाई इतना गर्म हो रहा है, फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तू हाथ में कैसे रख रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है, मतलब इतना गर्म होता था कि लोग डर जाते थे। मुझे डर नहीं लगता था क्योंकि मुझे पता था कि इसमें लिथियम पॉलीमर का बैटरी है, कितना भी गर्म हो जाए ये फट नहीं जाएगा, तो इतना गर्म होता था कि लोग डरते थे। तो 28 नैनोमीटर वाले चिप की डिमांड नहीं है मार्केट में क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बैटरी कंज्यूम होता है और बहुत सारे कारण हैं। तो TSMC 2010 में वो वाले लैब को, जो वो वाले फैब को बंद कर दिया है, और उसका कॉस्ट था, फैब का कॉस्ट था $10 बिलियन। सोच के देखिए $10 बिलियन, मतलब इंडिया का GDP का 2.5%, इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया था एक फैब को बनाने के लिए, वो बंद कर दिया है। और वो लोग अभी 3 नैनोमीटर वाले चिप बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, और उसके लिए आप उन्हें $20 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ा है 3 नैनोमीटर वाले चिप बनाने के लिए। और उसके अलावा सैमसंग ने एक फैब ओपन किया है 2014 में, उसके लिए उन्होंने $14.3 बिलियन इन्वेस्ट किया है अपने फैब को बनाने के लिए, ओपन करने के लिए। चिप को छोड़ के बात करते हैं मोबाइल के कैमरे के बारे में। दोस्तों मोबाइल में जो कैमरा होता है उस पर बेसिकली मोबाइल में एक लेंस होता है कैमरा का, और उसके नीचे मोबाइल का कैमरा सेंसर होता है, और मोबाइल कैमरा सेंसर बहुत ही महंगा चीज़ होता है, और मोबाइल का लेंस जो होता है वो मैन्युफैक्चर करते हैं LG और सोनी, ये दो कंपनी बड़े कंपनी है मोबाइल के लेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उसके नीचे जो सेंसर होता है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे बड़ा कंपनी है सोनी और सैमसंग। सोनी का एक्जोमर RS का सेंसर आप लोगों ने कैमरा में दिखा है, और सैमसंग का GM1 GM2 का सेंसर होता है। तो ये भी बहुत महंगी चीज़ें हैं जो कि इंडिया में नहीं बनते हैं। इसके अलावा इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड में कुछ और कमी है, जैसे कि नॉन इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड में ऑक्सीजन OS होता है OnePlus में, वीवो में फनटच OS होता है, ओप्पो में कलर OS होता है, इन्फिनिक्स में XOS होता है, रियलमी में रियलमी UI होता है, Xiaomi में Xiaomi UI होता है, पोको में भी वो Xiaomi का ही फ़ोन है उसमें भी UI का OS होता है, और डेडिकेटेड OS होने पे वो फ़ोन अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है, अच्छे से एप्लीकेशंस रन करते हैं। इंडियन स्मार्टफोन जो होता है वो इतना अच्छा और ऑप्टिमाइज्ड फ़ोन नहीं होता है, और ये भी एक कारण है। और जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, उन्हें भी कुछ अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।